गुड इवनिंग बेटा। अब स्टार्ट करते हैं अपन आगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं बेटा, और चैप्टर अब धीरे धीरे प्यारे बच्चों इंटरेस्टिंग होने लग जाएगा। और अब अपन जो है आगे बढ़ाते हैं, बोर डी मेरिट अपन ने पढ़ ली थी, उसमें एक आया था कि उसने ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर वेव्स को नहीं समझाया था, डी ब्रॉगली कंसेप्ट को नहीं समझाया था। तो आज की पढ़ाई में अपने क्या है बेटा, एक तो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, या जो दिया उसने किसने दिया था, डी ब्रॉगली कंसेप्ट। तो आज की पढ़ाई में एक तो पढ़ेंगे डी ब्रॉगली कंसेप्ट, और दूसरा क्या पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों पे फॉर्मूले हैं बेटा, और दोनों पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और दोनों 12th में फिजिक्स में भी यूज होंगे। तो प्यारे बच्चों आज की पढ़ाई क्या है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये क्या चक्कर है, ड्यूल सिम क्या हो जानते हो मोबाइल में, यहाँ ड्यूल नेचर क्या है वो देखते हैं। तो ड्यूल नेचर लाइट का तो प्रूव किया था आइंस्टाइन ने 1905 में बताया था बेटा कि जो लाइट है ना दो तरह से चलती है, एक तो वेव की तरह चलती है, इसको बोलते हैं वेव मोशन, और दूसरा होता है पार्टिकल की तरह चलती है। पार्टिकल एनर्जी के छोटे पैकेट्स जिनको फोटोन्स कहा जाता है, क्वांटम कहा जाता है, उस तरह चलती है, और एक वेव की तरह चलती है। और वेव है तो वेवलेंथ भी है, फिर दो क्रस्ट, ठीक ना, क्रस्ट या फिर दो टर्म के बीच की जो डिस्टेंस। तो ये तो कौन सा नेचर है, वेव नेचर। ये कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। ये किसके नेचर है, ये लाइट के। ये किसने बताया था, आइंस्टाइन ने। इसी को ऑब्वियस किसने किया, डी ब्रॉगली ने। उसने कहा कि मैटर वेव्स भी ऐसे ही चलती है, ड्यूल नेचर होता है। कौन कौन सा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो बस यही कंसेप्ट है डी ब्रॉगली। फिर डी ब्रॉगली रिलेशन डिराइव कर लेंगे। देखिए बच्चों, तो क्या है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर वेव्स या फिर डी ब्रॉगली कंसेप्ट, क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या बताया 1905 कंसेप्ट, द लाइट हैज ड्यूल नेचर सच एज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट दो तरह से चलती है। इसी को ऑब्वे किसने किया, डी ब्रॉगली ऑल्सो ऑब्वे दिस कंसेप्ट। इसी को ऑब्वे किया बेटा, फॉर द मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, अब मैटर किससे बनता है, कोई भी दुनिया में चीज बनती है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, और स्पेशली इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर द लाइट पार्टिकल। लाइट का मतलब है हल्का, वो हल्का वाला, यहाँ पे तो थोड़ा छोटा पार्टिकल है हल्का, लाइट पार्टिकल, लाइट इलेक्ट्रॉन, स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। इट ट्रेवल लाइक वेव एज वेल एज पार्टिकल। तो डी ब्रॉगली कहता है कि जो मैटर वेव्स होती है वो भी ड्यूल नेचर दिखाती है, और उसमें स्पेशली इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्यूल नेचर शो करता है। प्यारे बच्चों, तो ये है डी ब्रॉगली कंसेप्ट। और अब अपन क्या करते हैं, डी ब्रॉगली रिलेशन अपन लिख लेते हैं। हाँ बेटा, अब डी ब्रॉगली रिलेशन जो है इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। क्या है डी ब्रॉगली रिलेशन, ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पढ़ ली अपन ने क्वांटम थ्योरी, हल्की सी पढ़ाई है, एक ही इक्वेशन सिखाई है। क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ फोटॉन व्हेन वेव पार्टिकल, वो यदि वेव नेचर शो करता है तो फोटोन की एनर्जी को दिखाया जाता है इक्वल्स टू एच न्यू। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए आप। फोटोन पार्टिकल की जब वेव होता है तो उस वेव की एनर्जी न्यू, वेव की फ्रिक्वेंसी होती है बेटा एच न्यू के बराबर होती है, ठीक है ना। और दूसरा कंसेप्ट आइंस्टीन वाला कंसेप्ट लगाना है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, दो थ्योरीज को यूज करना है, एक तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी और एक आइंस्टाइन इक्वेशन, एनर्जी ऑफ फोटोन पार्टिकल, ठीक है ना, फोटोन एज पार्टिकल नेचर, फोटोन पार्टिकल की जब वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो पार्टिकल की एनर्जी ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। व्हाट इज द एम, एम होता है मास, एम क्या होता है बेटा, और सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट का भी अपने काम में लेंगे, उससे पहले आप मुझे बताओ सी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है, सिंस वी नो वेरी वेल, हमने पढ़ा है इसलिए अपन जानते हैं कि सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। सी इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो न्यू फ्रिक्वेंसी निकालनी तो क्या हो जाएगी, सी अपॉन लैम्डा। इस न्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर, ये तो हो गई बेटा 1, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो ये न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा पुट करनी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ न्यू फ्रिक्वेंसी इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता, दिया जाएगा ई इक्वल्स टू एच तो है ये, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा, ये भी काम का है रिलेशन, इसको दे इक्वेशन नंबर 3। अब कंपेयर करो बेटा, कंपेयर कैसे करते हैं कि LHS बराबर RHS, तो अपन कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करो, तो लिखेंगे यहां कंपेयर
इक्वेशन टू एंड थ्री, टू और थ्री को कंपेयर करेंगे तो LHS बराबर RHS करेंगे, तो ऊपर मैं लिख देता हूं कंपेयर करके आपके क्या हो जाएगा कंपैरिजन में। ये देखो E इक्वल्स टू ये हो गया तो एच स्क्वायर लैम्बडा अपॉन ये MC स्क्वायर के बराबर होगा, तो HC अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू MC स्क्वायर, C से ये स्क्वायर गया और C तो है वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो तो उसको भी लिख सकते हैं, ये होता है वेलोसिटी, है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसको भी लिख सकते हो आप। तो पहले तो अपन लिखते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा या एच अपॉन लैम्बडा इक्वल्स टू एम इंटू सी, सी की जगह क्या लिख सकते हो आप वी, मैं यहां लिख रहा हूं चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा बेटा इसको तो एम वी को नीचे ले आओ, तो एच इक्वल्स टू एम वी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा को ले जाओ मिलाओ ठीक है ना, तो लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब बच्चों मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है मोमेंटम आ जाता है, तो मोमेंटम हो जाएगा एम बाई वी, क्या होता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का मल्टीपल मोमेंटम पी होता है। तो फाइनल इक्वेशन आपके डी ब्रोगली रिलेशन आ रहा है, जो फाइनल रिलेशन है वो क्या हो गया बच्चों, इसको ब्रेक कर दें, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, एच अपॉन पी, व्हाट इज द पी, पी हो गया आपके मोमेंटम, क्या हो गया मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं मोमेंटम। तो ये ब्रैकेट में इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला जो जो अपन ने ब्रैकेट में लिखे सारे इंपॉर्टेंट है, पी क्या है ये तो क्या वेवलेंथ, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, पी क्या है मोमेंटम, किसके बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी एम वी, पी इक्वल्स टू एम वी होता है बच्चों, तो वी वेलोसिटी होगी, सी की जगह भी लिख सकते हैं ध्यान रखना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली रिलेशन, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, कौन न्यूमेरिकल करते हैं इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, मैं भेज दूंगा आपको बता दूंगा ठीक है। तो बच्चों अब इसका डी ब्रोगली कांसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या, अपने काम का क्या है और ये किस पे ओबे होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अपन ड्यूल नेचर को एक्सप्लेन करने में बहुत बड़ी हेल्प है इसकी। और ये क्या कहता है कि डी ब्रोगली कांसेप्ट ओबे ओनली बाय स्मॉल पार्टिकल लाइट, ठीक है ना, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास कम होता है ठीक ना, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन पे ओबे होती है बेटा, क्यों रे बच्चों इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का देखो मास बहुत कम होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा याद कर लेना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा 9.22 × 10⁻³⁻³ देख लो आप कितना बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए तो देखो इसका जीरो मान, अप्रोक्स जीरो मान सकते हैं। और ऐसा पार्टिकल जिस पे चार्ज तो होता है यूनिट वन माइनस वन चार्ज है और जिस पर मास अप्रोक्स जीरो नेग्लिजिबल, मतलब इतना छोटा बेटा कि माइनस 30 मत का मतलब समझ गए, एक के नीचे या 31 जीरो, और भाई एक को 31 जीरो से वन ठीक है ना डिवाइड कर दे तो कितनी छोटी वैल्यू आएगी जिसको अपन मेजर नहीं कर सकते नेग्लिजिबल। तो ऐसा पार्टिकल जिसका मास जीरो है, देखो ऊपर आपको नाइन्थ में पढ़ा है आपने कि यहाँ तो हमेशा मास लिखते हैं वो एटोमिक मास, और यहाँ एटोमिक ये चार्ज लिखते हैं, तो चार्ज तो नेगेटिव वन होता है इलेक्ट्रॉन पे और मास अप्रोक्स जीरो होता है, हल्का बहुत है, तो उसका फायदा बताता हूँ कि उस पे लागू होता है। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या बेटा, एच इक्वल्स टू एम बाई वी, अब ध्यान देना इधर, मास यदि ज्यादा होगा ये रहा मास, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों बहुत भारी चीज है तो उसका वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगा, और वेवलेंथ कम मतलब वो वेव की तरह नहीं चलेगी, एक तो ये होती वेव नेचर ही हो गया, और एक ये हो गया आपके मास ज्यादा होगा तो उसका वेव नेचर नहीं होगा, और वेव ही नहीं होगी तो वो पार्टिकल की तरह चलेगा ऑनली ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का तो मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उसका वेव नेचर प्रूव हो जाता है इससे ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह चलता है, और यदि कोई भारी पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ जीरो हो जाती है, और जब वेव ही नहीं है बेटा तो वेव नेचर कैसे होगा, तो ये होता है ड्यूल नेचर। तो आपसे पूछेंगे कि डी ब्रोगली कंसेप्ट तो भारी पार्टिकल्स पे लागू क्यों नहीं होते, तो अपन कहेंगे मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ जीरो हो जाएगा, तो वो वेव की तरह उसका नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे लाइट पार्टिकल्स पर डी ब्रोगली कंसेप्ट इजीली ऑब्वे होता है ठीक बेटा। इसके अलावा एक डी ब्रोगली का सिग्निफिकेशन और है, डी ब्रोगली रिलेशन से हम ये प्रूव कर सकते हैं बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट को प्रूव करना है। बोर ने क्या कहा था याद दिलाता हूं आपको, अकॉर्डिंग टू बोर कंसेप्ट अपन ने पढ़ा है बेटा,
नोट करना आप, अकॉर्डिंग टू बोर कंसेप्ट, क्या पढ़ा था आपने, बोर पोस्टुलेट पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है कि एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, ये आप पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों कि एंगुलर मोमेंटम nh अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। ये कहां से आया उसको पूछा डी ब्रोगली को, इसने बोर मॉडल को पूछा तो बोर ने भी एक्सप्लेन करवाया था, बोर को पूछा भाई ये क्या फॉर्मूला कहां से आया, इसको प्रूव करने वाला कौन था, डी ब्रोगली। तो ये फॉर्मूला डिराइव कर सकता है अपन किससे, डी ब्रोगली कांसेप्ट। तो अपन लिखेंगे डी ब्रोगली, डी ब्रोगली एक्सप्लेन बोर पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इलेक्ट्रॉन मूव एज वेल एज पार्टिकल। तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जो है दो तरह से मूव करता है, कैसे, तो डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। ये तो हो गया इसका पार्टिकल नेचर, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो पार्टिकल की तरह घूमता है, तो ये तो पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है। इसके अलावा वेव नेचर, एक वो वेव की तरह भी चलता है, ड्यू नेचर, ये वेव चल रही है देखो ऐसे। अब वेव जो चल रही है, वेव आराम से अच्छे से एकदम फेज में चलती है बेटा, फेज बनाकर चलती है ऊपर नीचे ऐसे चलती, बढ़िया सिस्टमेटिक ऐसे, तो इसको कहते हैं अपन इन द फेज। और एक हो जाती है कि ये वेव एक दूसरे को काट देती है आपस में, तो ये होती है आउट ऑफ फेज। तो ये देखिए बेटा, ये है आपके ये जो डायग्राम है, इसमें आपको क्या करना है, ये तो है इन फेज। इन फेज का मतलब है कि वो बड़ी सिस्टमेटिक चल रही है, सिस्टमेटिक क्रस्ट और टर्फ बना के चलती, तो इन फेज। और इसमें क्या होगा देखना, ये पार्टिकल नेचर है और इसमें वेव जो आ रही है इस तरह से आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, और कट गई आपस में, वेव क्रॉस कर जाती है तो इन कहते आउट ऑफ फेज, इसको कहते हैं इन फेज। बढ़िया सिस्टमेटिक बनाना है इसको, थोड़ा सा डिजाइन ही बनाइए सिस्टमेटिक, तो इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज। तो इन फेज, फेज में रहना है उसको, तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है बेटा वो किसके बराबर होती है, एन लैम्डा के बराबर होती है। तो फॉर रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर फेज, सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, सर्कमफेरेंस होती है ये 2πr = क्या होता है, एन लैम्डा के बराबर, किसके बराबर होता है बेटा, एन लैम्डा। एन क्या इंटीजर है, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक चलता है। और लैम्डा की वैल्यू आप अच्छी तरह से बता सकते हो, लैम्डा किसके बराबर होता है ध्यान रखना, ये हो गया आपके अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट, क्या हो गया डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या कह रहा है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ओके, ये वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, इस लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर देते हैं तो 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा की वैल्यू एच अपॉन एम वी। अब क्या करो, इस एम वी को ऊपर ले जाओ, πr को नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा बेटा एम वी को तो ऊपर ले जाते हैं अपन, ये आ जाएगा और ये आपकी हो जाएगा, ये 2π को नीचे ले जाओ, एम वी को ऊपर ले जाओ, तो एम वी आर हो गया NH अपॉन 2π। ये देखिए बच्चों आ गया, किससे आया बेटा कि जब वो वेव फेज में रहती है तो उसकी जो सर्कमफेरेंस होती है क्या होती है, सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr किसके बराबर होती है, n लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कहां से पुट करनी है, जो डी ब्रोगली कंसेप्ट आपने तैयार किया वहां से लैम्डा की वैल्यू से पुट कर दीजिए। तो ये आ गया बोर पोस्टुलेट को डिराइव कर दिया। तो इन फेज, फेज में रहने के लिए सर्कमफेरेंस n लैम्डा के बराबर होती है, इस तरह से उसने बोर पोस्टुलेट को प्रूव कर दिया बच्चों। तो इसमें दोनों नेचर देखे थे, कौन कौन से नेचर होते हैं, ये तो कौन सा नेचर हो गया, पार्टिकल की तरह चल रही है पार्टिकल नेचर,
और ये चल रही है उसके ऊपर व्हील, और ये बढ़िया फेज, इन फेज, इन फेज का मतलब है बढ़िया स्वेल, आपके क्रस्ट और ट्रफ बना के चलती है, दैट इज कॉल्ड द ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और पर्टिकुलरली ये कंसेप्ट आपसे पूछा जाए तो कौन से पार्टिकल्स पे ऑब्वे होता है, तो फिर कहेंगे लाइट पार्टिकल, हल्के पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स। प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले आ गए, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपको मैं सॉल्व किए हुए इसमें वीडियो में भेजूंगा, वो भी आपको सॉल्व करना है। और अब नया प्रिंसिपल भी अपने स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अगली कंसेप्ट के बाद लेते हैं बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। काहे की अनसर्टेनिटी बेटा, अनसर्टेनिटी पोजिशन की, अपन पढ़ते हैं ना ये कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ये प्रोबेबिलिटी बेटा, ये डेफिनेट इसकी फिक्स पोजिशन नहीं है, इसकी पोजीशन और इसके मोमेंटम को अपन एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते। यही तो कहता है कौन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसकी अनसर्टेनिटी, पोजीशन की और मोमेंटम की। तो क्या है इसका स्टेटमेंट, नोट डाउन करें, नोट्स तैयार करें। क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू, इन्वर्टेड कॉमा लगा करके इसको याद करना है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या कहना चाहता है, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टू मेजर साइमल्टेनियसली, एक साथ मेजर करना किस किस को, द पोजिशन ना एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल पार्टिकल, वही इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है, इतना हल्का होता है, देखो उसका मोमेंटम कहाँ निकलता है उसका, तो मोमेंटम भी एक्यूरेट नहीं आता है, मास ही बहुत कम है, जीरो है, तो मोमेंटम कहाँ से आएगा, मास इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की हमेशा अनसर्टेन ही रहता है, हल्का इतना है वो तो फिक्स ठहरता ही नहीं है, वो कोई चीज हवा में ठहरती नहीं है, तो उसकी पोजिशन आप कैसे बताओगे। तो ये इसका मेन मोटो है, इसका मेन मकसद है। तो स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिसाइड नहीं कर सकते, इट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो ये याद करना बेटा, इफ आप ताकत भी लगा लो, देखना क्या होता है, इफ यू ट्राई टू मेजर पोजीशन, यदि आप पोजीशन निकालेंगे देन मोमेंटम इज डिक्रीज, एक को बढ़ाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, इट इज एक्सप्लेन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। तो इक्वेशन नोट करेंगे, क्या है इक्वेशन, डेल एक्स, एक्स क्या है, ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी है, डेल पी ये मोमेंटम की अनसर्टेनिटी है, एच अपॉन फोर पाई, इसको लिखें और इसका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ क्या है, तो इसके एक्सप्लेन करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो वो भी आपको भेजे जाएंगे बच्चों, तो ध्यान रखें। तो क्या है बेटा, डेल एक्स क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी तो कौन दिखाता है, डेल एक्स, और डेल पी एक्स क्या बताता है, पी एक्स कह दो, पी एक्स लगा दो पहले, ये है बेटा अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ये दिखाते हैं। अब कोई बच्चा ट्राई कर रहा है डेल एक्स निकालने की, डेल एक्स निकालोगे तो क्या होगा, मोमेंटम नीचे, ये चीज नीचे चले जाएगी साथ वाली, एच अपॉन फोर पाई मल्टीप्लाई बाय डेल पी एक्स। तो प्यारे बच्चों मोमेंटम बढ़ गया, तो ये दोनों को एक साथ निकालने की बात थी, दोनों एक साथ एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते, तो इसको निकाल रहा है तो ये नीचे चला गया, यानी ये चीज निकालोगे तो ये बढ़ जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक को निकालते हैं तो दूसरे, वो दूसरी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। यस, डेल पी एक्स को निकालते हो तो एच अपॉन फोर पाई और डेल एक्स हो जाएगा, यानी पोजीशन वाली नीचे चली जाएगी। तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि हम एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते, एक को निकालते हैं तो दूसरी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो वो अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और प्यारे बच्चों मोमेंटम क्या होता है, डेल पी एक्स को क्या कह सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं, एम इंटू डेल वी, ये वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, इस इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में अपनी, तो ये हो जाएगा डेल एक्स, और क्या थी अपनी मेन इक्वेशन, क्या थी, डेल पी एक्स इक्वल टू क्या था, एच अपॉन फोर पाई था, ठीक है ना, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता है एम इंटू डेल्टा वी, तो डेल एक्स, व्हाट इज डेल एक्स, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये देखो एम मल्टीप्लाई डेल वी इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन 4 पाई। तो प्यारे बच्चों आप वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकाल लियो तो भी निकाल सकते हैं, ये मास है बेटा, ये अनसर्टेनिटी इन
पोजिशन है या मोमेंटम है, मोमेंटम को अपन ने क्या लिख सकते थे, मास इंटू वेलोसिटी एम इंटू डेल्टा वी, तो एम इंटू डेल्टा वी है ना। डेल वी से दोस्ती कर ली होगी आपने, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो बच्चों ये भी जो है आपके थ्योरी किस पे ओबे होती है, लाइट पार्टिकल्स पे, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप मतलब इतने छोटे छोटे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है उनको, ऐसे छोटे पार्टिकल्स हमेशा अनसर्टेन रहते हैं, ये इसका मेन मीनिंग निकलता है बेटा। तो इस पे कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वेशन याद करनी है और फॉर्मूले आने चाहिए और इनका मेन मीनिंग क्या होता है आपने समझ लिया होगा। तो इन दोनों प्रिंसिपल्स को मिला करके एक नया मॉडल आ रहा है, उसको बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल। लास्ट में फिर अपन मॉडर्न मॉडल आ जाएगा इसका, वेव मैकेनिकल मॉडल, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे। इस पर न्यूमेरिकल भेजता हूँ बेटा।